खाने के बाद वाला स्लॉट कॉन्फ्रेंसेस में ग्रेवियार्ड स्लॉट कहते हैं उसको uh, लेकिन अमूमी तौर से मेरी बारी ग्रेवयार्ड स्लॉट में ही आती बटिया uh, yeah. uh, मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग एंड द चेंजिंग रोल ऑफ इन्फ्लुएंसेस तो इससे पहले मैं इस टॉपिक पे तज्जिया दूँ थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं किस लेंस से बात कर रहा करूँ मैं पिछले पाँच साल से दराज के अंदर मार्केटिंग का, का काम करूँ उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग, यू आई यू एक्स डिजिटल एड सेल्स ब्रांड कॉम्स ये सारी चीजें आ जाती हैं उससे पहले मैं OLX uh, एक कंपनी थी वहाँ पे मैं uh, काम कर रहा था उसमें भी मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा था और उसके साथ साथ कंटेंट uh, और कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर काम कर रहा था तो पुराना सामान बेचते बेचते नए सामान बेचने पे आ गए so, पिछले दस साल में क्योंकि एक यूरोपियन कंपनी थी और दराज एक चाइनीज अलीबाबा पेरेंट कंपनी है तो इतने सारे मुल्कों के साथ जब आप अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कैपेबिलिटी स्टैक करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ पाकिस्तान में जो हम काम कर रहे हैं वो एक वर्ल्ड लेवल का काम हो रहा है सो so, ये बैकग्राउंड था मुझे अगर पीछे की लाइट खोल दें तो मुझे लोग दिख जाएंगे आ, उससे पहले मेरा ताल्लुक दस साल पहले डिजिटल एडवरटाइजिंग से नहीं था वो ट्रेडिशनल एडवरटाइजिंग से था बिल लगाना हम टीवी पे इश्तेहार चल रहा है तो उसकी मिड ब्रेक में कौन सा इश्तेहार लगाना तो ट्रेडिशनल से डिजिटल की जंप पिछले पंद्रह साल के अंदर आई ट्राइड किंग दैट जर्नी अच्छा डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करने से पहले जस्ट टू है फीलिंग ऑफ हॉल में कितने लोग हैं जो डायरेक्टली डिजिटल एडवरटाइजिंग खुद करते हैं सो बाय द रेज ऑफ द हैंड बहुत कम लेस देन फाइव परसेंट लाइट्स खोल दें अगर पीछे तो थोड़ा सा मुझे पता अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो टीम्स आती हैं जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग हैं इन एनी केस अगर आप एक ओनर हैं या आप एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर टीम रिपोर्ट करती है अच्छा ओके okay. सही है तो मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करने में एक एक बहुत बड़ा कुआं है आ, शायद 20 से 25 मिनट में नहीं हो सके आ, तो कैलिब्रेट कर लूं कि मुझे किस तरीके से अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है जब भी आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग के ऊपर बात करेंगे दस में से नौ लोग आपको फॉरन से कुछ टूल्स के नाम बताना शुरू कर देंगे और यह मैंने हाई आर की वाइज रख दिया था कि जब डिजिटल स्टार्ट हो रहा था तो वेब डेवलपमेंट एसएमएस सर्च डिस्प्ले सोशल मीडिया कंटेंट, इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर जाते हैं और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार बातें एट्रीब्यूशन साइंसेज में तो स्वीडन के अंदर पीएचडी हो रही है तो इवन एक एक फील्ड डिजिटल की बड़ी गहरी है लेकिन कभी कभार चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको एक डिफरेंट कंक्लूजन पर ले जाता है क्योंकि आवाम जो है हमारी इस हॉल में वो टेक्निकल डिजिटल मार्केटिंग पे मैं बात करूंगा तो बहुत कुछ लोग समझ पाएंगे कुछ नहीं तो इसको दूसरे नज़रिए से देखते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बोलेंगे तो आप एक डिफरेंट तरीके से बात करेंगे और अगर आप मार्केटिंग ऑन डिजिटल बोलेंगे तो आपका नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये एक्टिव वॉइस पैसे वॉइस टाइप कैसे जिया जाए तुम बिन तुम बिन जिया जाए कैसे ये उस तरीके से नजरिया जरा चेंज हो जाता है तो मार्केटिंग ऑन डिजिटल के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अपने रिटेल बिजनेस पे या अपने ई कॉमर्स बिजनेस पे इस नजरिए से नहीं देख रहे तो आगे जाने जा, जाते हुए बड़ा मसला हो सकता है तो मैं वो सात कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम इन्फ्लुएंसर्स पे आ जाएंगे सही है गुड मोबाइल अगर थोड़ी देर के लिए रख दें तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा अच्छा सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अमूमी तौर से बोर्ड रूम्स के अंदर ये बात होती है यार डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो है कितना पैसा लगाया और कितना की सेल हो गई और अनकरीब मार्केटियर्स को यह समझा जा रहा है कि आप सेल्समैन हैं और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है ये दुनिया भर में जहां जहां ऑनलाइन सेल्स की शराब बढ़ रही है वहां मार्केटियर्स को सेल्स रोल्स ज्यादा दिए जा रहे हैं यूनिलीवर के अंदर बाहर उनकी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन चेंज करके चीफ डिजिटल एंड कमर्शियल ऑफिसर रख दी क्योंकि वहां पे 50% फीसद ऑनलाइन अगर हो रही है तो उन्होंने सेल्स सेवी होना चाहिए तो एक कॉमन मिथ है कि आप अपने रिपीट रिपीट, रिपीट 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 यूजर्स को अगर आप मार्केटिंग करते रहेंगे तो आप ग्रो करेंगे आपकी लॉयल बेस बढ़ेगी तो आप ग्रो करेंगे ये कॉन्सेप्ट सही नहीं ब्रांड हमेशा ग्रो करेगा आपका रिटेल बिजनेस आपका ग्रो करेगा हमेशा जब आप नए यूजर्स लाते रहेंगे तो ये मिथ को मिथ बस्टर कर दें आप इसको कि ब्रांड्स जो है वो ग्रो करते हैं अपने स्मॉल बेस ऑफ लॉयल यूजर्स पे नहीं। आप जितने नए यूजर्स लाते रहे इंस्टॉल कैंपेन चलाते रहे मिड फनल लोग जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है और अब कोई खरीदते नहीं है उनको खरीदवाए यह आपके ब्रांड की डिजिटल पे ग्रोथ का सबब बनेगा सही है इस पर बहस हो सकती है लेकिन मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि आपको पॉइंट समझ आ गया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब आपने आए, अपने कस्टमर्स की जर्नीज अगर डिफाइन नहीं करी हुई आपके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कभी भी रिटेंशन नहीं चेक कर पाएंगे मेरा इत्तेफाक हुआ बर्लिन जाने का वहां पे देर सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स कमिंग इन तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप किन किन टेक कंपनियों में इन्वेस्ट करना आपको सही लगता है क्या मैट्रिक्स देखते हैं आप तो उन्होंने कहा स्टिकीनेस और रिटेंशन स्टिकीनेस का मतलब कि लास्ट थर्टी डे लोग जो आपके प्लेटफॉर्म पे आए वो रोजाना कितना आ रहे हैं इसको डाउमाओ भी कहते हैं डेली एक्टिव यूजर्स डिवाइड बाय मंथली एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप का डाउमा होगा नब्बे परसेंट हर किसी के पास जो व्हाट्सएप है वो रोजाना खोलता है ऐप शॉपिंग की ऐप रोजाना नहीं खोलते आप दराज का डाउमाओ है तकरीबन तेरह से चौदह फीसद दूसरा मेट्रिक क्या बताया था मैंने रिटेंशन रिटेंशन का मतलब है कि एक दफा जो आप पे किसी ने खरीदारी कर ली वो पंद्रह दिन बाद दोबारा कितनी शरा से वापस आ रहा है तीस दिन बाद कितनी परसेंटेज से वापस आ रहा है फोर्टी फाइव डेज बाद कितनी परसेंटेज से वापस आ रहा है so सो ये दो मेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास माशाला से अगर आपके ओनर हैं या जो आपके बॉसेज हैं या आपके उन्होंने आपको मार्केटिंग का पैसा दिया है पहली बात है आप बहुत लकी हैं गुड इस टाइम पे मार्केटिंग का पैसा मिल रहा है तो आपको यह देखना है कि बाल्टी में अगर पानी डालते रहेंगे और बाल्टी में सुराख है तो बाल्टी कभी भरेगी नहीं तो जितना ट्रैफिक डालते रहेंगे और अगर रिटेंशन स्ट्रांग नहीं है तो बाल्टी नहीं भरेगी सो रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और अमूमी तौर से रिटेंशन कंपनियों के अंदर लोग कहते हैं मार्केटिंग की जिम्मेदारी है जबकि मार्केटिंग की जिम्मेदारी नहीं है रिटेंशन की जिम्मेदारी इज दफा आपने किसी यूजर को ले आया है बोला ग्यारह ग्यारह आ रही है डिस्काउंट मिलेगा अब आप उसको किस वजह से लेकर आए डिस्काउंट अगली दफा डिस्काउंट नहीं है तो वो नहीं आएगा राइट एक दफा आपके प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट ही नहीं है दूसरी दफा आएगा तो नहीं आएगा रिटेंशन so, की जिम्मेदारी पूरी मार्केटिंग यूनिट पे नहीं है इसी वजह से ये जो कंपनी में छोटे छोटे किले बने होते हैं कि मार्केटिंग वाले कमर्शियल से नहीं बात करते कॉल सेंटर वाली टीम से नहीं बात करते ओनर्स का काम यह है कि ये किले खत्म किए जाए ताकि रिटेंशन पे साथ मिलकर काम हो सके दूसरा पॉइंट समझ आ गया अच्छा रिटेंशन आती कैसे ये मैंने एक दफा मैं कहीं पे दाढ़ी कटवाने गया तो बड़ा अच्छा सा उनका सैलून था कॉफी भी पिलाई रेड बुल भी ऑफर कर रहे थे एसी भी बड़ा जबरदस्त चल रहा था लेकिन उन्होंने मेरी दाढ़ी ना कुछ ऐसी तो नहीं काटी लेकिन थोड़ी अजीब सी काट दी तो मैं अगली दफा नहीं गया वहां पे और जब मैंने इसी तरह डिफरेंट सैलून चेक कर रहा था एक साहब ने मेरी बड़ी जबरदस्त ब्लो ड्राई करके दाढ़ी काटी बड़ी अच्छा लुक आया तो फिर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था तो मैं बार बार अब कभी दूसरे सेलॉन को ट्राई नहीं करता तो रिटेंशन के अंदर अगर आप लोगों की जो प्रोडक्ट टीम है अगर आपकी कमर्शियल टीम है उनके आपने रिटेंशन केपीआईज नहीं रखे हुए तो ये प्रॉब्लम है डिजिटल रिटेल पे मैं जब ओएल में था तो छोटी कंपनी थी मैं पहला इंप्लॉय था तो सारी चीजें ही आप ही की जिम्मेदारी थी हायरिंग भी आपकी जिम्मेदारी पेरोल भी निकालना आपकी जिम्मेदारी तो उस जमाने में अच्छी चीज ये हुई कि उन्होंने कहा कि मार्केटिंग वाले हैं आप यार आप ना कौन कस्टमर सर्विस भी आप देखें तो जब मैं कस्टमर सर्विस पे गया तो मुझे पता चला कि ओ पे तो लोग किडनी बेच रहे हैं अपनी तो मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है फिर वो कोई एक सर्विस थी उन्होंने कहा हलाला सर्विस प्रोवाइडेड वो एक साहब लाहौर में ऐसे कॉडलेस बेच रहे थे जो जेल की फ्रीक्वेंसी कैच कर रहा था तो मुझे एफ वालों ने बुलाया तो मुझे ये समझ में आया कि यार मैं चाहे जितनी भी मार्केटिंग करूं जितना भी लोग क्रेडिट देते हैं मुझे कि 2012 में वो आपने बेच दे बड़ा ओएल फेमस हो गया और बड़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ लेकिन असल में ओएलएक्स की ऑर्गेनिक ग्रोथ का रास्ता जब मैंने जाके वो सारा कचरा प्लेटफॉर्म से हटाया तो प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू हो गया लोग जो सामान लगाते थे वो बिकना शुरू हो गया तो ये मार्केटिंग हैक नहीं था दिस वॉज अ कस्टमर सर्विस और कॉन्टेंट मॉडरेशन हैक अच्छा रिटेंशन का जो इंपैक्ट मार्केटियर्स कंट्रोल करते हैं वो होती है मेंटल अवेलेबिलिटी मेंटल अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसी को पता है? चले गुड फिर मुझे मजा आएगा नहीं एक तो होता है टॉप ऑफ द माइंड कि मैंने आपसे पूछा कि यार जब भी आपको शॉपिंग करनी हो तो पहला ब्रांड आपके दिमाग में कौन सा आता है लोग बोलते हैं दराज तो ये क्या है टॉप ऑफ द माइंड मेंटल अवेलेबिलिटी टॉप ऑफ द माइंड से अलग है मेंटल अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जब भी कोई बाइंग सिचुएशन आती है तो क्या आपका दिमाग ब्रांड टॉप ऑफ द माइंड आता है जैसे कि कंज़म्पशन की सिचुएशन है के, मैं भूल गया कुछ नया निकालते। एग्जाम्पल है। लेते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में खुशियां हो जब होती हैं आपके घर में बच्चा पैदा होता है या बच्चे की शादी होती है तो आप दूसरों के घर पे जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं मिठाई मिठाई लेके जाते हैं सही ये क्या है एक कंजम्पशन सिचुएशन है तो कैडबरी ने कहा कि यार चॉकलेट है लोग अपने बच्चों को लग्जरी में देते हैं हमारी सेल्स रुक गई हैं तो मेंटल अवेलेबिलिटी क्रिएट की जाए बाइंग सिचुएशन पे तो उन्होंने कहा कुछ मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए टैगलाइन के पीछे क्या था मेंटल अवेलेबिलिटी क्रिएट करना बाइंग सिचुएशन अब जब भी आपका बच्चा मैट्रिक पास करे आप गुलाब जामुन के बजाय चॉकलेट लेके जाए तो ये मेंटल अवेलेबिलिटी क्रिएट करना अमूमी तौर से डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग होते हैं उनकी मैथ्स बड़ी अच्छी होती है लेकिन उनका क्रिएटिव क्वेश्चन नहीं होता तो आप भी जब अपना ही हायरिंग करें डिजिटल मार्केटिंग में तो ये मत सोचें किसी को गूगल फेसबुक चलाना ही आता है सिर्फ उसकी थोड़ी सी ये वाली साइड भी चेक कर लें और दूसरा ऑब्वियसली फिजिकल अवेलेबिलिटी फिजिक जब मेंटली अवेलेबल है और फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी मैकडोनल्ड्स आप जाएं तो टाइम मेडिको के पास भी मिलेगा अल्लाह वाली चौरंगी पे भी मिलेगा एयरपोर्ट पे भी मिलेगा मलीर कैंट के पास भी मिलेगा जब कोई भूख लगे बच्चे को नगेट चाहिए मेंटली अवेलेबिलिटी आपने मार्केटिंग से क्रिएट करी और फिजिकल अवेलेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही डिजिटल की दुनिया में फिजिकल अवेलेबिलिटी का मतलब है एक तो आपकी ऐप या वेबसाइट की स्टिकनेस और यूजर जर्नी और ट्रैफिक रोजाना की हो ताकि हर वक्त आप मेंटली और फिजिकली अवेलेबल रहे इसका मतलब यह है कि जो फेसबुक गूगल टिकटॉक जितनी भी आपकी डिजिटल की कैंपेन चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है हफ्ते में एक दफा एड दिखाना और हफ्ते में चार दफा एड दिखाना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पे आपकी जो ऑनलाइन स्टोर है उसकी डिफरेंट ग्रोथ है सही है गुड अच्छा अब मेंटल अवेलेबिलिटी भी हो गई फिजिकल अवेलेबिलिटी भी हो गई लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रांड्स की जो लैंग्वेज है और जो उनके डिस्टिंक्टिव ब्रांड एसेट्स हैं उसका कोई ख्याल नहीं करता डिस्टिंक्टिव ब्रांड एसिड्स जिनको देख के आपकी दिमाग की वायरिंग में एकदम से होता है कि अच्छा ये ये ब्रांड है जैसे ही मैंने एक खातून को देखा लाइट ब्लू कपड़े पहनी हुई है किचन में खड़ी हुई है चाय का कप एवरीडे है? क्योंकि वो उन्होंने लाइट ब्लू कलर दैट इज योर डिस्टिंगटिव कलर कलर इज डिस्टिंक्टिव ब्रांड लोगो टाइप फेस जिंगल यस अब ये अगर मैंने दो एड्स ऐसे ही लगा दिए मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं था सिर्फ एग्जांपल देने का लग रहा है कि यार एक ही ब्रांड कोई ये कल ये डिफरेंट प्रिंट्स बेच रहा है लेकिन ये खाडी और अलकरम के अलग अलग है अब वो जैसे ही आप फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना आपके पास इतना अटेंशन स्पेन नहीं होता आप ब्रांड रेकग्नाइज कर लें और अगर आपकी ब्रांड रेकग्नेशन नहीं हो रही तो आपकी एडवर्टाइजिंग जा रही है किधर डस्टबिन में तो ब्रांड एसेट्स डेवलप करने का फॉर्मूला क्या है वॉट फायर्स टूगेदर वायर्स टूगेदर एक चीज कंसिस्टेंटली यूज करें ऐसा नहीं है कि आप ऑलपर्स हैं और अचानक से 14 अगस्त आई और आप लाल से हरे हो गए सही? रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए ब्रांड डिस्टिंक्टिव ब्रांड एसेट्स की आप वो ना कर दें सही है? ये सारी चीजें कर ली तो हाई अटेंशन मीडिया यूज करें अगर एक जगह पे छह बिलबोर्ड लगे हुए तो भाई वो सड़क लेने की जरूरत नहीं है या आपको पता है कि शारा फैसल पे ये वाला पैच है यहां पे एवरेज रफ्तार साठ की होती है तो इधर बिलबोर्ड का टाइम दो सेकेंड है इससे बेहतर है मैं कोई और रोड ले लेता हूं YouTube के ऊपर आधे से ज्यादा इन्वेंट्री कहां सर्व होती है कहा डिजिटल वाले हमारे पीछे बैठे विथ बंपर्स हाँ मास्ट हेड तो अगर आप अमीर ब्रांड है तो आप ले लें मास्ट हेड उस उसपे तो डेफिनेटली सर्व होगी ब्रे जो बंपर्स हैं वहां पे वो सबसे ज्यादा एड लगा देते हैं अब बंपर्स जो हैं वहां पे पांच सेकंड का बम्पर है आपका एड कुछ लोग तो बम्पर की वजह से वीडियो बंद कर देते हैं तीन चार सेकंड के अंदर आप क्या क्रिएटिविटी दिखाएंगे क्या चीज बिल्ड करेंगे लेकिन अगर आपको तीन सेकंड में कुछ करना है तो आपके ब्रांड एसेट्स अलाइंड है तो लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा ये ये ब्रांड है तो मीडिया कितना अटेंटिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीवी पे जिस तरह इश्तेहार बनते हैं उस तरह डिजिटल पे नहीं बनते तो अगर आप अपनी रिटेल की शॉप का इश्तेहार चला रहे हैं और वो टीवी के इश्तेहार क्या होते हैं इशू सेटअप सल्यूशन क्लाइमैक्स इशू सेटअप सल्यूशन क्लाइमैक्स ये स्टोरी आर्क होती है मेरी कमर में दर्द था इशू सेटअप पेनाडोल की गोली खाएं सल्यूशन क्लाइमैक्स हाँ मैं अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ गार्डन अच्छा ये वाला ऐड डिजिटल पे नहीं चल सकता क्योंकि जितनी देर में आपने कमर का दर्द बताया ना वो बंदा भाग गया जो भी देख रहा था तो अटेंशन डिजिटल पे डिफरेंट तरीके से होती है तो आपको क्रिएटिव एसेट्स भी डिफरेंट तरीके से बनाने पड़ेंगे अच्छा ये मैं सुबह आ रहा था तो ये मैंने कोई ऐसे ही कॉमेडी नहीं कर रहा था इसके पीछे एक राज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली वो लोग जो ब्रांड ओनर्स यहां बैठे हुए या वो लोग जिनके हाथ में ये डिसीजन मेकिंग है कि मार्केटिंग टीम को कितने पैसे दिए जाए और क्या करा जाए ये टॉपिक है कि ब्रांड और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का बैलेंस अच्छा ये जो मैंने दो लाइनें बनाई है ना मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप शुरू करते हैं टारगेटेड ऑडियंस पे कौन है वो लोग या वो खातन जो लोन के जोड़े लेती हैं जो खाड़ी में इंटरेस्टेड हैं जो सना सफी नज में इंटरेस्टेड हैं आप टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर इश्तेहार चलाना शुरू करते हैं आपको ऑर्डर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है आपका फेसबुक का सीपीओ कॉस्ट पर ऑर्डर नीचे जाना शुरू हो जाता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब यह है कन्वर्टिंग द एग्जिस्टिंग डिमांड शार्प ऑस्ट्रेलिया में एक प्रोफेसर होते हैं मार्केटिंग के वो कहते हैं किसी भी वक्त किसी भी कैटेगरी और प्रोडक्ट के चार परसेंट डिमांड कन्वर्ट होती है नाइनटी फोर परसेंट ने उस वक्त फैसला नहीं किया हुआ था कि प्रोडक्ट खरीदना हर कैटेगरी पे यह एप्लीकेबल है तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आप क्या करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के एग्जिस्टिंग डिमांड को कन्वर्ट करते हैं अब क्या होता है एग्जिस्टिंग डिमांड पर पैसा लगा लगा के आप एग्जिस्टिंग डिमांड को इतना सेचुरेट कर देते हैं कि उसके, उस प्याले में कुछ बचता ही नहीं है तो होता है क्या है आपके ऑर्डर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं आपका कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि आपने फ्यूचर डिमांड क्रिएट ही नहीं करी फ्यूचर डिमांड इज ब्रांड बिल्डिंग मोर कस्टमर्स People, जिनका भी मूड नहीं बना हुआ खरीदने का अच्छा ब्रांड बिल्डिंग खर्च करते तो हैं है तो है, है, तो कोई खरीद ही नहीं रहा भाई वो कैंपेन खरीदने के लिए नहीं होती और हमारे यहाँ पाकिस्तानी सेठ इतना हो गया है पैसा लगा के दो रुपए लगा के चार रुपए की सेल करवाने का ब्रांड पे पैसा ही नहीं लग रहा सही है ये वो सात पॉइंट्स थे जो कि डिजिटल रिटेल पे अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सही है अंडरस्टूड? गुड आगे बढ़ते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बात करते हैं आजकल बज वर्ड है हे, आई एम डूइंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यस वेरी नाइस हर कोई हो जुनेजो के साथ वो वेरी फाइज़र सलीम वो वेरी गुड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मसला ये कि कॉन्सेप्ट पुराना था या नया था वो उस पर डिबेट चलती रहेगी पहले भी आप फेमस लोगों को ले के अपने इश्तहार में लेते थे लेकिन आपको ये जब तक पता नहीं चलेगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्यों फेमस हुई तो आप उसकी असल अफादियत नहीं जान जान पाएंगे होता है कि एक रिपोर्ट छपी कि यूएस में फॉर्च्यून वन थाउजेंड कंपनीज में तीस फीसद मार्केटियर्स ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड मार्केटियर्स ही नहीं है जिनको हर मीडियम किस लिए यूज होता है वो पता ही नहीं तो वो होता क्या है कि नींद के लिए लोग कफ सिरप पी रहे होते तो पहले समझ लेते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का राइज टू फेम क्या था एडवरटाइजिंग साइंसेस के अंदर जितनी ज्यादा सेकेंड की वीडियो आप यू गाइज गिव मी ट्वेंटी फाइव मिनट्स फिफ्टीन मिनट्स काउंटर रैपअप ओके चले अच्छा जितनी ज्यादा सेकेंड की आप वीडियो देखेंगे उतना ज्यादा आपका एड रिकॉल होगा और उतनी ज्यादा सेल्स कन्वर्जन होगी तो लोग इश्तेहार देख नहीं रहे थे और 80 से ज्यादा फीसद इश्तेहार लोग ढाई सेकेंड से कम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज की जाए जहां पे लोग इश्तेहार ज्यादा देखें, तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं लोगों को लगेगा नहीं इश्तेहार है और वो बात सुन लेंगे लेकिन हमने वो इतना कमर्शलाइज कर दिया कि अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी लोग सही से बोलते हैं अच्छा ये तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है आगे बढ़ाओ So, ज़्यादातर पैसा लग रहा था सेलिब्रिटीज के ऊपर और सेलिब्रिटीज से वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था कटिंग इट शॉर्ट में ज़रा जल्दी रन करना पड़ेगा हमने बड़ी सेलिब्रिटीज की कैंपेन्स चलाई लेकिन एक्चुअल रिजल्ट आया ऐसे नैनो इन्फ्लुएंसर्स से जिनकी छ हजार की फॉलोइंग थी और ऐसी तकरीबन मैं आपको अगर नंबर्स दिखाता हूँ मरियम परवेज एक खातून हमारे साथ काम करती हैं उन्होंने दस करोड़ रुपए की सेल कर दी कायनात फैसल हैं एक उन्होंने तीन करोड़ रुपए की सेल कर दी और हम नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि अगर हम आपको स्ट्रेट पैसे नहीं देंगे आप हमारा लिंक लगाएं लिंक से जितनी सेल होगी उसका कमीशन आप लें हमसे क्योंकि वी डोंट बिलीव इन जस्ट गिविंग देम स्ट्रेट मनी एंड हर इन्फ्लुएंसर का कन्वर्जन रेट डिफरेंट है अक्सर अजवल ब्यूटी ज्यादा अच्छा बेचती हैं लेकिन ग्रोसरी अच्छा नहीं बेच पाती फर्नीचर के अंदर अच्छी हैं फैशन तो बिल्कुल ही नहीं सेल कर पाती तो इन्फ्लुएंसर की जो सारी साइंस है वो मार्केटिंग टेक के साथ लिंक हो गई है क्योंकि जब तक आप इन्फ्लुएंसर की पोस्ट से किसने क्लिक किया वो आपके प्लेटफॉर्म पे उसने कौन सा जोड़ा खरीदा आप ये पूरा ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को राइट right पैसे नहीं दे पाएंगे और अगर आप ये नहीं कर रहे तो कोई भी इन्फ्लुएंसर बोलेगा मैं ये काम करने से पचास लाख रुपए लूंगा और मैं ये काम करने के लिए छह लाख रुपए लूंगी और आप कभी भी निगोशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको इफेक्टिवनेस ऑफ द इन्फ्लुएंसर नहीं पता होगा